हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। जैसा कि पिछले वीडियोस में बताए गए थे कि यूरोपियंस कंपनी के आगमन के क्रम में सबसे अंत में फ्रांसीसी 1764 में आए थे, और इन्हीं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई वो दक्षिण भारत में कर्नाटक में जाकर के फलने फूलने लगी, और यही से दोनों के बीच में जो युद्ध होते हैं उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1746 से 1756 तक अपने चरम पर था। इस दौरान 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका उल्लेख पिछले वीडियो में किया जा चुका है, आज द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर एक संक्षेप में अपने तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 55 के पीरियड में माना जाता है। यह लगभग 6 वर्षों तक चला। हालांकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध से ही देखा जाए तो भारत में वास्तविक कारण था युद्ध करने का, क्योंकि प्रथम का तो रिमोट कंट्रोल हमारी वो उत्तराधिकारी लड़ाई था ऑस्ट्रिया का, लेकिन द्वितीय में वास्तव में भारत में इसके कारण मौजूद हुए उत्तराधिकार। जब कर्नाटक के युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया, इसमें तत्कालीन कर्नाटक के नवाबी के लिए अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब में झगड़ा हो गया, और फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने इस झगड़े का लाभ उठाया। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का साथ दिया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दे दिया। दूसरी ओर हैदराबाद में भी निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क के मृत्यु उपरांत उनके पौत्र मुजफ्फर जंग और दूसरे पुत्र नासिर जंग के बीच, यानी चाचा भतीजे के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। इसमें भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी पार्टी चुन लिया। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का और अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दे दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्नाटक में अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया तो फ्रांसीसियों ने चादा साहब का, वही दूसरी ओर हैदराबाद में अंग्रेजों ने नासिर जंग का तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। ये रंगमंच तैयार हो गया। ये दोनों यूरोपियंस अपनी अपनी पार्टी का चयन कर लिए। अब यहीं से शुरू होता है कर्नाटक युद्ध में पहला एक अंबर का महत्वपूर्ण युद्ध। तो अब कर्नाटक में चांदा साहब ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 3 अगस्त 1749 की बात है, बेलोर के निकट अंबर के मैदान में अनवरुद्दीन को न केवल पराजित किया बल्कि मार डाला, यानी जो कर्नाटक का नवाब था वो मारा गया इसी अंबर के युद्ध में, और कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। किसने? फ्रांसीसी समर्थक चांदा साहब ने। दूसरी ओर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग ने दक्कन की सूबेदारी हेतु जो युद्ध हुए थे उनमें नासिर जंग से पराजित हो गया, लेकिन 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बना दिया गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में जब वो जा रहा था निजामी की शपथ के लिए तो उसकी हत्या हो जाती है। ठीक इसी समय 1750 तक दक्षिण भारत में हम पाते हैं कि फ्रांसीसियों का प्रभाव अपने चरम पर था। जब मुजफ्फर जंग की हत्या के तुरंत बाद नासिर जंग के छोटे भाई सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम फ्रांसीसियों ने बना दिया। इस प्रकार 1751 एक ऐसा तिथि डेट है 1751 जब फ्रांसीसियों की झंडा भारत में सबसे ऊंचे स्तर तक बुलंद रहा। इसके बाद जो पतन की ओर बढ़ा फिर वो कभी ऊपर नहीं उठा। 1751 में डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक तरह से चरमोत्कर्ष था और संपूर्ण दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो गया था। अब पासा तब पलटता है जब हम एक अंग्रेज क्लाइव का नाम सुनते हैं जो वास्तव में किराना व्यापारी के रूप में भारत आया और सेना में एडमिट हुआ अंग्रेजों में, और धीरे धीरे अपनी योग्यता प्रतिभा के बल पर वो गवर्नर तक पहुंचा था। तो इस समय जो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में
आया तो किराना के रूप में था, उसने मद्रास के अंग्रेज जो गवर्नर थे उनको सैंडर्स उनका नाम हुआ करता था, सैंडर्स को यह सलाह दिया कि कर्नाटक की राजधानी अरकाट को घेर लिया जाए और उसकी ये परामर्श सैंडर्स ने स्वीकार कर लिया। अंततः क्लाइव ने 500 सिपाहियों को नेतृत्व दिया और मजे की बात है कि इन 500 सिपाहियों में 200 अंग्रेज थे और 300 भारतीय ही थे, यानी अंग्रेजों में केवल 200 ही अंग्रेज उसके साथ थे, संख्या 500 की बनी थी। अरकाट को घेर लिए। अगस्त 1751 में अरकाट पर विजय भी पा लिया क्लाइव ने। परिणाम यह हुआ कि क्लाइव ने मेजर लॉरेंस की मदद से आगे बढ़ते हुए कर्नाटक में नवाब चांदा साहब को गिरफ्तार कर लिया और फ्रांसीसी कमांडर जो ला वहां बैठाए गए थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार त्रिचनापल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा क्लाइव। कर्नाटक में चांदा साहब की इधर हत्या हो जाती है। कमांडर ला को बंदी बनाते हुए अनुरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। 1755 तक आते आते दोनों पक्षों में पांडिचेरी की संधि संपन्न हो जाती है, यानी कि पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और इसमें फ्रांस स्थित अधिकारियों ने यह महसूस किया कि डुप्ले की नीति ठीक नहीं है, इसलिए उनको वापस बुला लिया जाए और हुआ भी वही। जब 1 अगस्त 1754 को डुप्ले को वापस बुलाते हुए उनकी जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में गोदेहू को वापस भारत भेज दिया गया, डुप्ले को बुला लिया गया भारत से और गोदेहू को उनका स्थान दे दिया गया। इसका दुष्परिणाम अच्छा मतलब दुष्परिणाम हुआ, इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जब पांडिचेरी की संधि पर खुद डुप्ले भी यह कहता है कि गोदेहू ने अपने देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिया, ये कोटेशंस कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि ये डुप्ले के कथन। मिल ने भी इस संधि पर यानी पांडिचेरी संधि पर मिल की टिप्पणी बड़ी अच्छी है कि पांडिचेरी संधि द्वारा प्रत्येक वह वस्तु जिसे पाने के लिए फ्रांसीसी प्रयत्नशील थे अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध वास्तव में भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारतीय निजाम और नवाब, कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम को लेकर के एक खेली गई तानाबाना था, कूटनीति था और अपनी अपनी कूटनीति अल बल छल में वे पूर्णतः सफल होते हैं। तो 1751 फ्रांसीसियों के चरमोत्कर्ष के बाद क्लाइव की जो एंट्री होती है उसने पांडिचेरी की संधि में अंग्रेजों को वह सब कुछ दे दिया जिसे अंग्रेज पाने के बाद ठीक 2 वर्ष बाद प्लासी युद्ध में धमाकेदार विजय हासिल करते हैं। तो हम आते हैं अब तीसरे कर्नाटक युद्ध में अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।